आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप से कोई धोखे से ऐप डिलीट हो गया है, अब आप उस ऐप को वापस लेके आना चाहते होंगे तो वो आप कैसे लेके आ सकते हैं। जी हाँ, आपके फ़ोन से कोई भी ऐप है वो रिमूव हो गया है, डिलीट हो गया है, तो उसे आप कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे आपका जो ऐप है आपसे डिलीट हुआ है वो 100% वापस आएगा, रिकवर होगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इस चैनल पर हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है। वो कौन सा काम है? आपको सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाना है, फाइल मैनेजर, ठीक है, जो भी फाइल मैनेजर ऐप हो इसमें जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने किसी भी एपीके ऐप को डाउनलोड किया है तो आपको एपीके का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस टाइप से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, उसी ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप उस ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे जो ऐप है आपका, आपकी मेन स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ऐप है ये देखो, यहाँ पे आ गया है, ये देख पा रहे हैं। अगर नहीं आया है तो आप इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे एक सर्च बार होता है, उस ऐप का यहाँ नेम सर्च करेंगे, ऐप यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, ऐप शो ही नहीं होता है जबकि आपके फ़ोन में वो ऐप्स होता है, तो आपको कैसे लेके आना है, तो उसके लिए आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। इस टाइप से फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर जाना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा ऐप ड्रॉवर सेटिंग, इस पर जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग नजर आएगी, ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, ये आपका बंद होगा तो इसे ऑन कीजिए। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है, आपको अपनी फ़ोन की प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, गूगल का प्ले स्टोर होता है, इसमें जाना है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा आपको वेट करना है, जैसे ही थोड़ा आप वेट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, यानी सर्च नहीं करना है, यहाँ पे ऑप्शन एक दिख जाएगा मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा मैनेज, तो मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका जो भी ऐप डिलीट हुआ होगा यहाँ पे आपको वो ऐप शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है जो भी ऐप डिलीट हुआ है, जैसे कि यही डिलीट हुआ है, जैसे कि ये वाला, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सीधा आप इस तरीके से करेंगे और ये सीधा ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा। तो चलिए इसे हम डाउनलोड करके फिर आपको दिखाते हैं। अब ये डाउनलोड हो गया है, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से मिनिमाइज़ कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखो ऐप आ गया है। ठीक है, ये जो तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने फ़ोन में कीजिए, 101% आपका डिलीट हुआ ऐप वापस आएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको तीसरा से तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, सेटिंग में आपको जाना है। जैसे आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपको शो हो जाएगा रिकवर अनइंस्टॉल्ड सिस्टम ऐप, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जो भी ऐप्स थे जो आपसे डिलीट हो गए थे इस टाइप से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऐप्स डिलीट हुए थे उस पर आपको सामने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस टाइप से जो भी ऐप्स हैं, जैसे कि मुझे यही वाला चाहिए स्क्रीन लॉक, तो इस पर मैं इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो इंस्टॉलिंग होगा, आपको थोड़ा वेट करना है, इंस्टॉल हो गया है। अब आपको ये देखने के लिए ये देखो मिल गया होगा यहाँ पे, तो इस टाइप से आप करेंगे तो ऐप्स आपके 100% यहाँ पे शो हो जाएंगे। वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया है तभी आपको ये प्रॉब्लम है आ रही थी वो सॉल्व होगी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, देखो ये सब करने के बाद आपका फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए जिससे मुझे पता चल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।